गायन बनाते हैं पहले जय माता दी। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल रिंकी फैमिली ब्लॉग्स में। अभी सुबह का समय है, मैंने पूजा पाठ कर लिया है क्योंकि आज है विकास का बर्थडे और आज है 27 फरवरी, दिन है संडे, तो पूजा पाठ से शुरुआत मैंने कर दी। अब सीधे आपसे शाम को मिलते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, अभी शाम का समय हो चुका है, पनीर तल रही हूँ मैं और इस कुकर में मैंने छोले उबाले हैं और दाल बना चुकी हूँ। ये देखिए तो पुलाव दाल बन रहा है और छोले पनीर की सब्जी पूरी बनेगी और मिठाई मेरी बहन लेके आई है, मेरी माँ लेके आई है, तो मिठाई आज मैंने नहीं बनाया। बस छोटा सा सेलिब्रेशन घर में ही कर रही हूँ। तो ये देखिए विकास और ये जो आप पॉट देख रहे हैं, फ्लावर पॉट, ये मेरी बहन लेके आई है, मेरे बहन के हस्बैंड विकास का बर्थडे गिफ्ट है ये। तो डब्बे में से निकाल के टेबल पे ये सजा दिया है, बहुत अच्छा लग रहा था टेबल पे। केक भी मैं ले आई हूँ, अब केक काटने का टाइम हो गया है, लगभग 7 बज रहेंगे, जल्दी से केक कटिंग होगा क्योंकि मेरी बहन इसी टाइम लौट जाएगी और रात हो गया है तो बाहर निकलना है, तो थोड़ा सवेरे ही कर देना अच्छा होगा। और ये सत्येंद्र जी हैं, मेरी बहन के हस्बैंड, दोनों आए थे, करौता आए थे, करौता मंदिर में नारियल चढ़ाना था तो नारियल चढ़ा के और सीधे हमारे घर आ गए। तो अचानक से आए तो हम लोगों को बहुत ज़्यादा खुशी हुई क्योंकि मैं घर में ही मना रही थी और कोई गेस्ट आ जाते हैं अचानक से किसी खास दिन तो बहुत अच्छा लगता है। और मेरी माँ भी आ गई है आज कलकत्ता से, वो भैया के पास गई थी तो यहीं उतर गई स्टेशन पे, तो इनको जाके मेरे हस्बैंड ले आए हैं। तो चलिए 3 लोग हो गए इसके बर्थडे में, तो उसका बर्थडे भी कुछ खास हो जाएगा। तो ये देखिए दोस्तों, मेरी माँ है, आप लोगों को हाय कर रही है। माँ अभी कलकत्ता से आई है लगभग 1 घंटा पहले ही और यहाँ सिटी स्टॉपेज था ट्रेन का तो रुक गई है और मेरे हस्बैंड जाके इनको वहाँ से ले आए हैं। तो माँ भी आ गई तो विकास का बर्थडे कुछ खास हो गया। अगर ट्रेन यहाँ नहीं रुकती, सीधे पटना जंक्शन पे रुकती तो माँ नहीं आती, लेकिन सिटी में ही रुक गया तो माँ आ गई, विकास का बर्थडे है इसलिए। तो चलिए अब बर्थडे की तैयारी मैं करने लगी हूँ, केक कटिंग होगा, आप लोग भी शामिल हो जाइए विकास के बर्थडे में। अभी देखिए माँ इसको टीका चंदन लगा रही है और हम लोग अभी घर में 5 लोग हैं तो सभी 5 मिलके इसकी आरती उतारेंगे, इसको टीका लगाएंगे। और विकास ने किसी को भी नहीं बुलाया, अपने दोस्तों को भी नहीं बुलाया, मैंने बोला था कि अपने दोस्तों को कम से कम बुला लो लेकिन नहीं बुलाया, इसका मन उतना नहीं रहता है। तो चलो बच्चा था तो बहुत अच्छे से हम लोग मनाते थे, 100 लोग आते थे, कम से कम 100 लोगों का खाना बनाती थी मैं बहुत साल तक, जबकि मेरे दोनों बेटों का बर्थडे 1 दिन का गैप करके आता है, फिर भी मैं धूमधाम से बर्थडे मनाया करती थी। लेकिन अब 2-3 साल से ये लोग जब बड़े हो गए हैं तो नहीं मनाना चाहते, मैंने सबके साथ शर्म आती है, कहते हैं कि बहुत बड़े हो गए हैं तो अब क्या बर्थडे मनाना, तो इसलिए मैं 2-3 साल से अपने घर में ही अपने घर के लोगों के साथ ही बर्थडे सेलिब्रेट कर देती हूँ इन लोगों का। चाकू खोजा जा रहा था, चाकू ये देखिए जो केक का डब्बा है ना उसके ढक्कन पे ही लगा हुआ था तो चाकू मिल गया। हम लोग ढूंढ रहे थे कि चाकू किधर गया। अभी सत्येंद्र जी आरती कर रहे हैं विकास की और अब होगा केक कटिंग। माँ थक जाती है, ज़्यादा खड़ा नहीं रह पाती है तो साइड में ही बैठ गई है और मेरे हस्बैंड देखिए फ़ोटो निकाल रहे हैं, फ़ोटो नहीं वीडियो निकाल रहे थे विकास का।
तो बस अब केक कटिंग होगा। कैंडल भी जला लिया इसने, तो अभी मेरी बहन आई है इसको टीका लगाने के लिए। और शीतल संध्या नहीं आई, मैंने बुलाया भी नहीं था मैं सच कहूँ तो, क्योंकि विकास का बिल्कुल भी मन नहीं था कि केक कटिंग करेंगे। शाम को ही प्लान बना और मेरी बहन करौता आई थी मंदिर में प्रसाद चढ़ाने के लिए, तो इसलिए वो अचानक से आ गई, हम लोगों को सरप्राइज़ दिया, बहुत अच्छा लगा। और माँ तो आज आने ही वाली थी कलकत्ता से, इसलिए आ गई, नहीं तो हम लोग तीन लोग ही घर में थे। विशाल नहीं है, विशाल आज ही निकल गया है रांची, वहाँ उसका एग्जाम है। तो अभी हम लोग केक कटिंग कर रहे हैं, उस टाइम वो ट्रेन में बैठा हुआ है, हम लोगों ने बात कर ली है उससे। उसका कल 28 तारीख को एग्रीकल्चर का एग्जाम है, इसलिए वो नहीं है। और चलिए आप लोग भी आ जाइए अब केक खाने के लिए, केक कटिंग हो गया है। और ये जो फूलों का दोहार आप देख रहे हैं ना, तो आज विकास गया था पटना महावीर स्थान लड्डू चढ़ाने के लिए, और एक माला विशाल का है वो परसों गया था अपने जन्मदिन के दिन महावीर स्थान, उसने भी लड्डू चढ़ाए थे, तो इसलिए दोनों को मैंने यहाँ टेबल पे सजा दिया, अच्छे से डेकोरेट कर दिया है। अभी सबको केक मिल रहा है खाने के लिए, आप लोग भी आ जाइए और केक खा लीजिए। तो सारा खाना तो हम लोग बना ही चुके थे, सब्जी और दाल पुलाव ये सब बन गया है, तो बस अभी गर्मा गर्म पूड़ियाँ तलनी बाकी है, तो अभी हम दोनों मिलके पूड़ियाँ तलेंगे। ये रहा पुलाव, पुलाव मेरी बहन ने बनाया था, बहुत ही टेस्टी पुलाव बनाया था उसने, कुछ अलग ढंग से उसने बनाया था। और ये रहा गुड़ का गुलाब जामुन, मेरी माँ लेकर आई है, मेरी बहन भी लाई थी छेना, तो जब सब खाएंगे तो निकाल के मैं सबको सर्व करूँगी। और अभी हम दोनों बहनें मिलके पूड़ियाँ बनाने में मतलब कि जल्दी जल्दी कर रहे हैं, सोनी को निकलना भी है ना, और 8 बज चुके हैं, तो जल्दी से ये लोग खाना खा के निकल जाएंगे, पटना में रहते हैं ना, तो जल्दी जल्दी कर रहे थे। अभी मैं पुलाव भी निकाल लेती हूँ एक बर्तन में, बहुत गर्म था सर्व करने के लिए। और ये देखिए गर्मा गर्म पूड़ियाँ निकाली जा रही हैं, और दो थाली मैंने लगा दिया है, एक मेरे हस्बैंड के लिए और एक सतेंद्र जी के लिए, एक और गेस्ट थे लेकिन वो अभी नहीं खा रहे हैं, बाद में खाएंगे, तो जो मतलब जिनको जल्दी जाना है उनके लिए मैं पहले निकाल देती हूँ। विकास सबको खाना खिला रहा है, और ये देखिए छेना इसमें है, तो ये मेरी बहन लेके आई है छेना, तो इसको भी मैं एक बर्तन में निकाल के दे देती हूँ विकास को, बाहर जो कमरे में लोग खा रहे हैं ना उनको देने के लिए। विकास सबको खाना खिला रहा है, और तो कोई घर में है नहीं, तो एक बर्थडे बॉय हैं, सबको खाना सर्व कर रहे थे। और जो ड्रेस विकास ने पहना है ना, यही आज पटना से खरीद के लाया था अपने बर्थडे गिफ्ट, पापा ने पैसा दिया था कि अपने लिए कपड़े ले लेना नए नए। और जो माँ मिठाई लेके आई है ना गुड़ का गुलाब जामुन, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी है, कलकत्ता में ऐसा मिलता है, यहाँ तो नहीं मिलता गुड़ वाला, लेकिन वहाँ मिलता है और बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, तो एक पैकेट मैंने बचा के रख दिया है, जब सोनी जाने लगेगी तो मैं उसको दे दूँगी। और यहाँ पर देखिए विकास सबको खाना सर्व कर रहा है, दोनों सारू मिलके खाना खा रहे हैं। मैं आ गई हूँ पूड़ियाँ तलने के लिए, क्योंकि सोनी अभी खाना खा रही है, उसको जाना है ना इसलिए। तो मेरी बहन चली गई है, सब लोग खाना खा चुके हैं, और ये थाली मेरी है, आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए, रात के लगभग 10 बज चुके हैं अभी। तो बस आज की वीडियो यहीं तक थी, कैसी लगी मुझे बताइएगा ज़रूर। और अच्छे से विकास का भी बर्थडे हो गया, किसी को नहीं मैं हमने बुलाया था, बस घर के ही लोग थे, एक मेरी बहन और उनके हस्बैंड आ गए थे, उनका भी यहीं घर है, हर संडे को वो अपने घर आते हैं, तो वो भी आ गए थे, तो विकास का भी बर्थडे अच्छे से हो गया, मतलब घर में ही हुआ, घरेलू हम लोग और ज़्यादा ताम झाम हम लोगों ने किया नहीं था, बस सिंपल सा बर्थडे था। कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट करिएगा, और विकास को भी अपना ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद दीजिएगा। चलिए मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर दोस्तों, जय माता दी।